स्वागत है दोस्तों आज की एक और न्यू वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आइस फायर की जो तीनों मॉडल्स हैं उनका प्राइस क्या है, कितना एरिया कवर करते हैं और आप इन्हें कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो बात करें अगर आइस फायर के तीनों मॉडल्स डक्ट कूलर के बारे में, तो ये अलग अलग साइज़ में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला आपको स्मॉल साइज डक्ट कूलर देखने के लिए मिल जाता है, दूसरा आपको मीडियम साइज डक्ट कूलर देखने के लिए मिल जाता है और तीसरा आपको लार्ज साइज डक्ट कूलर देखने के लिए मिल जाता है। तो आज हम इन्हीं तीनों मॉडल्स के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सा डक्ट कूलर आपको कितना एरिया कवर करके देता है और कितने प्राइस में पड़ता है और इसको आप कहां से बाय कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले ये वीडियो। आइस फायर के ऑलमोस्ट तीनों मॉडल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइस फायर के स्मॉल साइज डक्ट एयर कूलर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है IFG10। बात करें इसके कैपेसिटी की तो 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का एरिया ये कवर करके देता है। फिर बात करें इसके CMH की तो इसमें आपको 18000 CMH देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं प्राइस और डक्टिंग की, तो ये आपको 65000 विदाउट GST देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आप इसको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया में इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो 65000 का आपको कूलर पड़ जाएगा और डक्टिंग चार्ज आपके एरिया पर डिपेंड करता है और डक्टिंग चार्ज हमारा ₹120 स्क्वायर फीट होता है। बात करें इसके सिंगल स्पीड की तो ये आपको 55000 विदाउट GST के देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं आइस फायर के मीडियम साइज डक्ट एयर कूलर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है IFG12। बात करें इसकी कैपेसिटी के बारे में तो ये आपको 2000 से 2800 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करके देता है। बात करें इसके CMH की तो इसमें आपको 20000 CMH देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में तो 72000 विदाउट GST वेरिएबल स्पीड के साथ ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। बात करें इसके सिंगल स्पीड की तो 62000 का इसका सिंगल स्पीड का कूलर आपको मिल जाएगा। अब अगर आप इसको 2000 से 2800 स्क्वायर फीट के एरिया में लगवा रहे हैं तो इसका वेरिएबल स्पीड आपको 72000 विदाउट GST के मिल जाएगा और डक्टिंग का चार्ज तो आपके एरिया पर ही डिपेंड करेगा, जो कि ₹120 स्क्वायर फीट है। अब बात करते हैं इसके लार्ज साइज डक्ट एयर कूलर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है IFG18। बात करें इसके कैपेसिटी के बारे में तो ये 2800 से 3500 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करके देता है। फिर बात करें इसके CMH की तो इसमें आपको 30000 CMH देखने को मिल जाता है। इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो ये आपको 95000 विदाउट GST के साथ मिल जाता है और ये सिंगल स्पीड के साथ आता है, इसमें आपको वेरिएबल स्पीड देखने के लिए नहीं मिलती है। तो अगर आप इसको 3500 स्क्वायर फीट के एरिया में लगवाना चाहते हैं तो ये आपको 95000 विदाउट GST के मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आप हमारे डक्ट कूलर को बाय कहां से कर सकते हैं। तो आप हमारे डक्ट कूलर को ऑनलाइन बाय करने के लिए icefire.in से ऑनलाइन डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे तीनों मॉडल्स में IFG10, 12 एंड 18 इन तीनों की वीडियोज़ देखनी है तो IFG18 का वीडियो अभी हाल ही में हमने अपलोड किया था DP ज्वेलर्स का, वो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। बात करें IFG10 के बारे में तो हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड है 2BHK फ्लैट इंस्टॉलेशन की, उसमें आपको IFG10 डक्ट कूलर देखने के लिए मिल जाएगा, वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं IFG12 के बारे में तो आपको एक मस्जिद का वीडियो मिल जाएगा जिसपे हमारा IFG12 मॉडल लगा हुआ है। अब ये तीनों जो मॉडल मैंने आपको बताया है, ये गैल्वनाइज बॉडी डक्ट कूलर के बारे में मैंने आपको बताया है। इसकी एक और बॉडी आती है जो है स्टेनलेस स्टील बॉडी, उसकी लाइफ आपको 30 से 35 साल की मिल जाती है और जो हमारी गैल्वनाइज बॉडी है उसकी लाइफ आपको 15 से 20 साल की मिल जाती है। तो जो स्टेनलेस स्टील वाले डक्ट एयर कूलर हैं वो भी सेम ही एरिया कवर करते हैं, बस उनकी लाइफ थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाती है। अब अगर आपको स्टेनलेस स्टील वाला डक्ट कूलर आपको देखना है तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, मस्जिद का एक वीडियो अपलोड है उस पर स्टेनलेस स्टील बॉडी डक्ट कूलर लगा हुआ है। तो आज के लिए बस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइस फायर, रिश्ता एक विश्वास का।